हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टाइम पे काफ़ी लोगों की दिक्कत आ रही है। किस चीज़ की दिक्कत आ रही है कि उनका डेटा उड़ जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है, या फिर जैसे उनकी विंडो उड़ जाती है तो डेटा चला जाता है। और काफ़ी लोग वीजी सॉफ्टवेयर इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, 1 साल से यूज कर रहे हैं या 2 साल से यूज कर रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे डेटा करप्ट हो जाता है, कभी जैसे विंडो करप्ट हो जाती है तो उस केस में उनका डेटा चला जाता है। तो वीजी सॉफ्टवेयर को जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से ड्राइव में आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो ये तरीका मैं आपके लिए बताऊँगा कि आपका जो डेटा है आपको कहाँ पर रखना है और वीजी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, जैसे आप वीजी सॉफ्टवेयर के सेटअप को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हो, तो आपका जैसे आपने फर्स्ट में सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे तो माई कंप्यूटर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, वीजी विन के अंदर आपका जो कंपनी है, यहाँ पे आपकी कंपनी की सारी फाइलें यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे जो भी आप नई कंपनी बनाते हो, ये जो डेटा का जो फोल्डर है, इसमें आपकी कंपनी जनरेट हो जाती है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो वीजी विन फोल्डर है, इसके अंदर ओनली डाटा लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई डाटा मैंने नहीं रख रखा है। अगर बाई चांस मेरा जो सॉफ्टवेयर है या मेरा जो कंप्यूटर है, इसके विंडो उड़ जाती है, तो मेरे पास जो सी ड्राइव के अंदर जो भी डेटा है वो सारा उड़ जाएगा, यानी हट जाएगा, यहाँ से करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि आप अपनी नई कंपनी बनाते हो तो आपको सी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो आपका डेटा है, डेटा आपको अलग ड्राइव में रखना है। आप डी में रख सकते हो, ई में रख सकते हो, एफ में रख सकते हो, आपके हिसाब से जो भी आपका ड्राइव है उसमें आप रख सकते हो। अभी जैसे मेरा जो डेटा है मैंने कहाँ पे रख रखा है और डाटा डायरेक्टरी का फात कैसे डिसाइड करते हैं, वो भी तरीका मैं आपके लिए बताऊंगा। तो फर्स्ट तो ये करना है आपको, अगर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने उनका जो डेटा है सी ड्राइव के अंदर, वीजी विन के अंदर डेटा में रखा हुआ है, तो पहले तो वो क्या काम करें कि उस डेटा को दूसरे ड्राइव में रख ले। दूसरे ड्राइव में रखने के बाद जैसे आप वीजी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हो, वीजी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन रहता है डाटा डायरेक्टरी का। अब डाटा डायरेक्टरी पे जैसे आप क्लिक करोगे, अभी तो बहुत से लोग हैं इनके बारे में, इन फीचर्स के बारे में नहीं जानते क्या क्या काम आते हैं, उनको केवल ये पता है वीजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद ओपन कंपनी पे क्लिक करते हैं और कंपनी खोल के आपका जो भी काम रहता है उसको करते हैं, उसके बाद कंपनी को बंद कर देते हैं। जबकि यही काम नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उनका भी आपको उपयोग करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा डायरेक्टरी का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी जिस फात पे आपने आपका डेटा रखा है, यानी मेरी जो कंपनी मैंने जनरेट कर ली, मेरा जो डेटा जाएगा ऑटोमेटिक किस में जाएगा, सी ड्राइव वीजी विन के अंदर डेटा में मेरी कंपनी जनरेट होती है, लेकिन वो जो कंपनी है उसको कॉपी करके मैंने अलग ड्राइव में रख लिया है, क्योंकि अगर मेरा विंडो करप्ट हो जाता है तो उस केस में मेरा पूरा डेटा चला जाएगा। तो आपको अपना डेटा बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो डेटा है उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे आपको रखना है। उसके बाद अब उस डेटा को आपके वीजी सॉफ्टवेयर में कैसे चलाना है, तो यहाँ पे एक डेटा डायरेक्टरी का जो ऑप्शन रहता है इस पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे हो सकता है ब्लैंक होगा, इस तरीके से ब्लैंक हो सकता है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इस तरीके से आपके पास या तो ब्लैंक रहेगा या सी ड्राइव वीजी विन डाटा रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इस बॉक्स पीले बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जहाँ पर भी डेटा रखा है, जैसे मेरा जो डेटा है डी ड्राइव के अंदर है, इस पे मैंने क्लिक किया, और वीजी डाटा फाइनल, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरी सारी कंपनियाँ हैं, कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को मैंने ओपन नहीं करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, वीजी डाटा फाइनल, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं जैसे देखता हूँ तो मेरी जो कंपनी है,
मेरी कंपनी के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, यानी मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जितनी भी कंपनीज है मेरे सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो डाटा डायरेक्टरी है वो चेंज कर सकते हो, और आपका जो डेटा सी ड्राइव में रखा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हो। इससे क्या है, आपकी विंडो अगर करप्ट हो जाती है तो आपका डेटा आपके पास सेफ बच जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपका डेटा सी ड्राइव विजीविन के अंदर डेटा में नहीं होना चाहिए, ये आप चेंज कर सकते हो, इससे आपका डेटा बच सकता है। कि काफ़ी लोग आते हैं, हमारा डेटा डिलीट हो गया है, हमारा डेटा उड़ गया है, हमारी विंडो करप्ट हो गई है, तो उस केस में ना तो मैं कर सकता और ना ही कोई और कुछ कर सकता है। तो दोस्तों ये जो मैंने तरीका बताया है इसका ज़रूर आप उपयोग करें, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।